और मंत्री जी से तो हमको रिसिप्ट मिल गया है जो राहत कोष वाला है, उसको हमको अभी एक लफड़ा आ जा रहा है मेरे में। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉगर। जैसे कि हम फंड जुटाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं, इसी सिलसिले में मैं मंत्री जी जो हमारे बेबी देवी जी हैं उनसे मिलने जा रहे हैं, जो कि हमारे क्षेत्र का है। और अभी मिलने के लिए तैयारी है क्योंकि उन्होंने टाइम दिए थे सुबह सुबह, लेकिन कॉल आ गया कि उनको 3 बजे भोर ही जाना पड़ा डुमरी के लिए, जो कि परसनाथ स्टेशन में उतरने वाले थे। हमारे प्रवासी मजदूर लोग जो आने वाले थे करीबन अफ्रीका से, जो फंसे हुए थे, उनको वहां से सुरक्षा समेत लाया गया यहां पे, उनको स्वागत करने के लिए आया था। और इसी सिलसिले में वो वहां पहुंच गई है सवेरे सवेरे 3 बजे भोर। तो इसी सिलसिले में हम लोग को बुला लिया गया क्योंकि वहां पे वहाँ से ही डायरेक्ट वो जाती रांची, क्योंकि अभी मॉनसून सत्र चल रहा है तो इसके कारण से। और अभी हम वहीं जाएंगे डायरेक्ट और चलते हैं अभी यहां से। इसी स्थान पर रुका हुए थे प्रवासी मजदूर और रात के 12 बजे यहाँ पे आए थे, तो उन्हीं का स्वागत करने के लिए यहाँ पे आई हुई थी। तो हम लोग को डायरेक्ट यहीं पे बुला लिया गया था पेपर के साथ, देख सकते पेपर भी लाए और अनुशंसा के लिए यहाँ से प्रयास किया जा रहा है। उनके बोल रहे थे कि काफ़ी मदद मिलेगा और बोली है और उम्मीद दी है, तो देखते हैं वो उम्मीद कब तक हम लोग का साकार होता है नहीं होता है। तो आप लोग भी सपोर्ट जिस तरह से बनाए रखे तो उस सपोर्ट बनाए रखे। और काफ़ी देख सकते हैं यहाँ पे तैनात फोर्स लोग भी है और गाड़ी भी है। और यहाँ पे अभी कल्पना सोरेन जी भी आए हैं, हमारे मंत्री के वाइफ हैं और विधानसभा का वो विधायक भी हैं, और उसी के सिलसिले में पे यहाँ आया है प्रवासी मजदूर को स्वागत करने के लिए। वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकते ना, कि क्योंकि मेरा बहुत अभी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और बहुत सारे दिक्कत है, क्योंकि जितना जल्दी हमको फंड मिल सके उतना हमको रिलीफ हो सकता है और उतना हम लोग फैमिली से प्रेशर हट सके, इसके लिए हमको जोरदार प्रयास करना पड़ रहा है। वो धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग को यहाँ पे बात रखा गया और यहाँ पे लेटर तो लिख दिया गया है कि लेटर यहाँ से लिखा गया, उसके बाद हमको डीसी ऑफिस या कहीं जहाँ पे पेपर जमा करने के लिए बोला जाएगा वहाँ पे पेपर फिर जमा करने जाएंगे, तो अभी उसको आगे पता चलेगा। और अभी बंसावली ले लिए हैं दोस्तों, और यहाँ से भी हम जा रहे हैं मुखिया के यहाँ, और उनका सिग्नेचर चाहिए और उनका स्टाम्प भी चाहिए। और उसके बाद यहाँ से फिर अभी जाति आवासीय का फॉर्म भर के ऑनलाइन फॉर्म भरा था, उसके बाद फिर मुझे जल्दी से हमको सीईओ से मिलना पड़ेगा ताकि मेरा काम जल्दी बन पाए और तत्काल हम लोग का जो लेटर मिला है, जो कि मंत्री जी से जो हम लोग का लेटर मिला है, उससे तुरंत काम बनने का संभावना है। और संभावना क्या, वो बनना ही बनना है, नहीं बनेगा तो जो आश्वासन दिए हैं मंत्री जी कि नहीं बनेगा तो कॉल कीजिएगा, और जल्दी से जल्दी वो काम करने का संज्ञान लिए हैं। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी और राहत हम लोग को मिले, कुछ फंड मिल जाए तो बहुत ही राहत मिलेगा। और अभी जा रहे हैं वहीं मुखिया जी के यहाँ। मुखिया से साइन उन करवा के यहाँ से निकल रहे हैं, और उसके बाद अभी हमको पंचायत भवन में जाना है, वहाँ से फॉर्म वॉर्म भर के जाती है आवासीय और इनकम का फॉर्म वॉर्म भर के हमको फिर सीओ या हमको जाना पड़ेगा यहाँ से। मंत्री जी से तो हमको रिसिप्ट मिल गया है जो राहत कोष वाला है, उसको हमको अभी एक लफड़ा आ जा रहा है मेरे में। जैसे कि भाई अभी हम लेके आ रहे हैं अपने घर और उसके बाद घर पहुँच के ये वीडियो बना रहे हैं, तो मेरे को एक लफड़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि जो एस्टिमेट हम लोग को जो बना है ना, वो डॉक्टर जब तक अभी तक 1 महीना का जो इलाज चला उसी का एस्टिमेट देना चाहता है। जैसे कि हम लोग का करीबन 1-1.5 लाख का खर्च आ चुका है, तो हम लोग का एस्टिमेट वही मिलने वाला है क्योंकि डॉक्टर बोल रहे कि यही तक दे पाएंगे, लेकिन डॉक्टर ये भी बोल रहे हैं कि 6 मंथ तक यहाँ पे इलाज चलेगा। तो एक बात बताओ भाई, 6 मंथ चलेगा तो ऑन एन एवरेज कुछ तो अंदाज़ा होगा ना डॉक्टर को, तो वही रिक्वेस्ट किए हैं कि देखो कल तक हमको मिलता है कितना एस्टिमेट मिलता है कि ऑल ओवर कि उन लोग का एक लगभग में बता दे, ताकि हम उस चीज़ को भर पाए फॉर्म में और मुझे वो एस्टिमेट लेके मुझे फिर जाना है ब्लॉक, और ब्लॉक में जाने के बाद मुझे वहाँ पे इनकम बनाना है, 3 साल का बनाने बोला है, 3 साल का इनकम बनेगा, और 3 साल के इनकम के बाद उसको मैं अटैच करके जेरोक्स अटैच करके फिर मुझे फिर डालना पड़ेगा, जो कि जो रूल है उस हिसाब से मुझे डालना पड़ेगा, उसके बाद फिर वहाँ जाएगा मुख्यमंत्री तक पहुँचेगा, उसके बाद मुख्यमंत्री फिर वहाँ से बिल पास करता है, फिर हम लोग को फिर लाभ मिलेगा। और ये लाभ है ना, पैसा बैंक में नहीं चढ़ने वाला, ये लाभ सिर्फ
हमको हॉस्पिटल का जो चिप मिला हुआ ना, हम लोग को उसी चिप में जाएगा ताकि जितना भी इलाज में खर्चा और जो राहत हम लोग मिल सकता है उससे यूज कर सकते हैं। अब कितना राहत मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं यार, कब तक पैसा चढ़ेगा पता नहीं। बहुत हम लोग का बहुत ही अभी दिक्कत का सामना कर रहा पड़ रहा है और कैसे करें और नहीं करें पता नहीं। अभी देख सकते हैं कितना हम दौड़ इधर उधर कर रहे थे, दिन भर से दौड़ रहे थे, शाम भी हो गया, सूरज भी ढलने वाला आप देख सकते हैं पीछे में। और क्या ही बोले, आप लोग सपोर्ट बनाए रखे और मेरे चाची जल्दी से ठीक हो जाए आप लोग दुआ करते रहें। और कोई भी ज़रूरतमंद है, कोई भी मतलब कोई भी पीड़ित है या किसी भी हो, आज मैं अपने घर से स्टैंड ले रहा हूँ तो आने वाला पीढ़ी में मैं कोई भी हो, आप भी हो चाहे कोई भी हो, आने वाला कोई भी रहे आपका परिवार या कोई भी रहे, कोई भी इंसान रहे, मैं उसको हमेशा सपोर्ट करूंगा और हमेशा सपोर्ट बनाए रखूंगा। और मेरे YouTube जर्नी जो मेरा चल रहा है इसमें कुछ भी इनकम आएगा तो मुझसे हेल्प करूंगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला हूं। तो आप लोग सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं बहुत ही जल्द।